दोपहर को तेल लगाया था ना पानी दीदी की दादी से लगाया था सोच रहा हूँ या ना धो कल भी धोना दो नहीं, ना नहीं तो मैं तो कल दूंगा अब अब शाम भी होगी ना तो अभी सिर नहीं धो रहा मैं प्लान कैंसिल ये देखो पीछे बूजी इनका मैं लॉन दिखाता हूँ इन्होंने गाय ने अभी छोटा सा बच्चू दिया तो वो भी दिखाता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि बूजी ने क्या क्या लगाया अपने घर में के करके दिखाता हूँ आप सबको और बूजी से मिल लो ये है बूजी मैंने आपसे तो है। है तो नहीं आया कल भी मैंने इसको बड़ी कोशिश की, की पर ये डर कर बाग जाता है ना ये देख सकते हो ये है नंदू तो गाइस इसको ना इसके पाव देखो मुड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको तो ये इसको बीमारी होगी थी एक ये देख सकते हो ये गाय देसी है जर्सी नी और अभी ये इसी का बच्चा है दोनों इसी के बच्चे हैं ये इसका पहला बच्चा है और ये इसका अभी दूसरा बच्चा है पास नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मारती बड़ा है मेरू तो इसको मैं हाल लगा तो पर ये मेरे को डर लग रहा है मैं नहीं जाऊंगा भाई इसके सींग इसके बड़े बड़े हैं पर हाल लगा हार आ आ आह रही है देखो तो मेरे को डर ही लग रहा है इसे आ आज जा। जानवर तो दिखा दिए जो उन्होंने रखे हैं बूजी का लॉन दिखाता हूँ आपको तो बूजी के लॉन में क्या क्या लगा है ये है नींबू का पेड़ जिसमें अभी नींबू लगे नहीं है पर इसमें फूल पड़ गए ये देखो छोटे छोटे लगे ना तो ये अभी फूल। इसमें नींबू लगेंगे बस ये गर्मी जब आएंगी ना तो इसमें जून जुलाई तक नींबू लग जाएंगे ये मूली का फूल है तो मोंगरे लगते है ना इसमें तो ये मोंगरे लगते हैं इसके ऊपर उसको खाते हैं उसकी चटनी बनती है देख सकते हो कितना सारा प्याज है और बीच में एक मिर्ची का पेड़ भी ये जो इधर पेड़ है तो इसके साथ में एक और पेड़ है तो उसमें फूल लगते हैं वो बड़े बड़े लाल से ना मैंने देखे हैं देख सकते हो ये पालक है कितना सारा लगाया इधर हर हरा हरा धनिया जो कि अब थोड़ा सा कम हो गया पर है इस साइड दिखाता हूँ आपको बूजी ने क्या लगाया है साइड साइड में लहसुन लगाया और ये तो कुछ नहीं है इस साइड देखो ये ये पूरा लहसुन है देखो कितना ये सब लहसुन है और बीच में ये थोड़ी सी पता क्या लगा है। ये सौंफ है सौंफ का पेड़ मैंने पहली बार देखा कड़वी वाली सौंफ है ये ये देखो ये भिंडी लगी छोटी छोटी भिंडी लगी है यहाँ पे तो साथ में गोभी लगा है वो फुल गोभी है और ये है बंद गोभी ये बैंगन है और उसके बाद यहाँ पे ये भी लखाट ये भी गुलाब ये भी गुलाब और वो कहां पे खीरे खीरे मैं आपको दिखाता हूँ खीरे भी हैं इसमें लगे इधर ये कहा वाला है ना तो ये देख सकते हो ये खीरे हैं तो इधर देख सकते हो ये जो आप इधर छुपा हुआ है तो इसके अंदर आम का पेड़ है देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना थोड़ा दूर तो वो देख सकते हो ये सामने ये पूरा आडू का पेड़ है देख सकते हो ये लगाए तो ये यहाँ से उंगली नहीं करते गाइस तो देख सकते हैं ये यह है यहाँ पे तो इस ये अभी बड़े होंगे ना तो ये यहाँ यहाँ स्पोर्ट लेंगे इधर इधर की तो अगर थोड़ी सी स्पोर्ट इनको लकड़ी की भी देनी पड़ती है ताकि ऊपर तक पहुंच जाए तो ऊपर से फिर पूरे छत में हो जाएंगे तो चलो अभी चलते हैं आप बूजी से पूछते हैं बूजी इतना कुछ कैसे लगा दिया आपने सरिया जो आपको पता होगा की सरसों का तेल जिससे बनता है वो होती है तो ये देख सकते हो सरिया जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं तो इसमें इसके अंदर सरया होती है तो ये सरसों होती है इसके अंदर तो ये देखो छोटे छोटे दाने तो इनको जब पीसते हैं तो इसमें से तेल निकलता है तो जिसका तेल आप इस्तेमाल करते हो वो यही होता है बुजी, आपने इतना कुछ कैसे लगाया काम करना गोबर उठाती हूँ गोबर उठाने के बाद फिर दूध निकालती हूँ निकाल गाय को बांध दो फिर उसको घास डालो मैंने शिवानी को बोला चाय का कप तो बना दे अभी थक गई ऊपर से अभी चल रहे नवरात्री ने व्रत भी रखा है शुगर है इनको बाईस साल से सोच सकते हो तो बाईस साल कितना होता है काम करती रहती है काम नहीं छोड़ती है अपना शाम का काम करके बूजी ने सारा वो पेरी है चाय तो बूजी चाय पी रही है पर बूजी चीनी नहीं खाती बिना चीनी के बूजी की और हमारी वाली चीनी के भी साथ मैंने तो मिला दिया बूजी से तो बूजी की अब पेंटिंग्स भी देख लो तो ये देख सकते हो ये सबसे पहले ये जो ये बनाई हैंडमेड है तो ये हैंडमेड है तो ये हाथों से ही बनाया आपने तो ये देख सकते हो इसमें टेडीवेर लगाए तो ये झूला एक टाइप का और ये छोटू सा भी इसमें आप पेन वगैरह या कुछ भी डाल सकते हो तो और ये देख सकते हो पेंटिंग जो पहली पेंटिंग है वो मैं दिखा रहा हूँ ये बरात वाली तो ये इसमें देख सकते हो दिखाई है एक तो ये देख सकते हो ये है दुल्हन पेंटिंग। क्या, क्या बोलते है? पेंटिंग। इसमें बरात दिखाई है तो, दिखा तो देख सकते हो एम्बोस पेंटिंग है एक तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये यह जा रहे हैं दुल्हन को लेकर उठाकर और ये देख सकते हो हाथी और ये है दूल्हा और ये रही दूसरी पेंटिंग तो ये भी ये रूई वाली है तो ये पूरी कॉटन से बनाई है और ये है थर्ड तो ये देख सकते हो ये भी आ, मोतियों से पत्नी कुछ तो है इसमें पहले तो पेंट किया अंदर फिर उसमें वो छोटी छोटी मोतियों से वो बनाया उसकी आउटलाइनिंग और ये है देख सकते हो उसके बाद वाली तो ये है आ, इसमें देख सकते हो ये पूरी पेंट है ये कपड़े वाला कौन सा क्लोथ पेंटिंग बोलते हैं इसको उसके ऊपर बनाइए कपड़े के ऊपर तो ये देख सकते हो ये भी कितनी मस्त लग रही है ना और उसके बाद ये देख सकते हो ये भी खुद बनाई ये फिश है तो इसके बाद ये देख सकते हो ये थोड़ा सा इसका कवर फट गया पर कितनी अच्छी लग रही है ना ये क्या अब मेरे को पता नहीं क्या है ये पर जो भी है बहुत अच्छा है ये देख सकते हो कितनी सही है ना इसमें राधा और कृष्ण जी है इस साइड भी देख सकते हो ये है कृष्ण जी और इस साइड भी देख लो ये भी है इसमें देखो कारीगिरी की गई है मोतियां चिपका चिपका कर और इसमें की गई है कलाकारी बनाया हुआ है इसमें ये शीट ही होती है उसके अंदर छोटे छोटे शेड होते हैं उसके अंदर से सिलाई निकालनी होती है तो इसको भी पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता कुछ बोलते हैं उसको भी तो इस तरह की पेंटिंग्स देख सकते हो ये भी है तो ये बिल्ली वाली है ये कोई लड़की है और ये मोर वाली है तो यही था और भी होंगी बड़ी सारी पर जो मेरे को दिखी वो मैंने आपको दिखा दी तो देख सकते हो मुझे मल्टी टैलेंटेड है तो मुझे अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई है कोई बुनकर बनाई है तो कोई पेंट करके तो ये तो बनाई है और देख सकते हो तो ये जो मैंने पंखी ली है तो ये भी खुद से बनाई है तो ये भी हैंडमेड है तो बस यही था अब आपको ये भी दिख गया जो आप देखना चाहते थे तो अभी मैंने फिर से शाम को दिखाया तो इसलिए आपको क्वालिटी थोड़ी सी डाउन दिखेगी होगी दोपहर को तो बन नहीं पाई किसी कारणवश तो इसलिए अभी मैंने दिखा दी तो हाँ यही था आई होप आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वहीं पे एक सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा दीजिए और इसी तरह मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय